इसको सिंपल ज़बान में कंक्रीट भी कहते हैं ये होता क्या है मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट विदाउट एंड रिइंफोर्समेंट इज नोन एज पीसीसी यानी इसमें और बस सैंड कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट होता है बगैर इंफोर्समेंट के बगैर इंफोर्समेंट मींस सरिया के बगैर इसमें सरिया नहीं होता है आम जुबान में यानी स्टील नहीं होता है पीसीसी इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन हमारे पास पीसीसी जो है कंप्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जबकि टेंशन में बहुत कमजोर होता है इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सो स्मॉल दैट कैन बी इन डिजाइन इसमें जो हमारे पास टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो इतना कम होता है कि डिजाइनिंग में हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं पीसीसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों नहीं होता है क्योंकि उसमें री नहीं होती है आर क्या है री सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट विद री एनफोर्समेंट इज नोन एज आर सी सी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव आर सी सी क्या है सेम कंक्रीट होता है इसमें सिर्फ एडिशन करते हैं री एनफोर्समेंट का री एनफोर्समेंट मीन्स स्टील अभी जरूरी नहीं है कि मैं बार बार रे एनफोर्समेंट में स्टील सरिया कह रहा हूँ आप लोग बस ऐसे फोकस हो जाओ बस सरिया और जो है ना हमारे पास स्टील ही री एनफोर्समेंट इट कैन बी एनी अदर थिंग लेकिन उसमें हमारे पास क्या हो टेंसाइल प्रॉपर्टीज हो उसको हम लोग जब कंक्रीट में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर बन जाता है री इनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बन जाता है मैंने बात की थी हम लोग बात करेंगे लोड्स की वो एक्चुअली वो लोड्स हमारे पास डिजाइन लोड्स होंगे तो डिजाइन लोड्स टू टाइप्स के होते हैं दैट इज डेड लोड एंड लाइव लोड लाइव लोड का जिक्र मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि ये वो लेवल नहीं है कि आपको डेड और लाइव लोड भी समझना है तो हमारा फोकस रहेगा डेड लोड्स की जो टाइप्स होती हैं उनके ऊपर डेड लोड load, उन लोड्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है विद इन द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर यानी अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है मैं आपको एग्जांपल दूं वाल्स हैं जैसे आपके कमरे के अगर उन वाल्स की जो वैल्यू है वो फोर्टीन न्यूटन है जब आपका कमरा बनाया गया था तो अभी आप इस कमरे में बैठे हुए हैं

बात करेंगे सेल्फ लोड की तो सेल्फ लोड इज इट्स ऑन वेट इट इज द लोड ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर ड्यू टू इट्स ऑन वेट जो ऑन वेट उसका अपना जो वजन होता है वो एक्चुअली सेल्फ लोड कहलाता है हमारे पास डिजाइनिंग ऑफ लोड में ये आप कमरे की दीवार की मिसाल ले लें वो हमारे पास सेल्फ लोड है अभी सुपर लोड दैट इज आल्सो डेड लोड लेकिन होते क्या है द लोड सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चरल मेंबर अभी वो लोड जो कि स्ट्रक्चर मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं फॉर इंस्टेंट सेल्फ लोड ऑफ कॉलम इट्स सेल्फ लोड लोड ए ऑफ बीम एंड ओवर इट कॉल्ड सुपर इम्पोज लोड यानी कॉलम हमारे पास एक मेंबर है स्ट्रक्चर का उसके ऊपर हम लोग बीम लगा रहे हैं या रूफ लगा रहे हैं खड़ा कर रहे हैं हम लोग तो वो जो हमारे पास लोड होंगे वो हमारे पास सुपर इम्पोज लोड होंगे कॉलम के ऊपर कॉलम खुद एक डेड लोड है डेड लोड में सेल्फ लोड है जबकि बीम भी एक डेड लोड है और स्लेब भी डेड लोड है लेकिन ये चूंकि कालम के ऊपर आ रहे हैं इसलिए इनको हम लोग सुपर इम्पोज लोड्स का नाम दे रहे हैं नेक्स्ट इज हमारे पास जो होता है वो हमारे पास डिजाइन लोड्स में लाइव लोड होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है जैसे कि मैं आपको मिसाल दू एक छत के ऊपर हम लोग बैठे हैं बहुत बेहतरीन फिजा में माहौल में पांच बंदे फिर पांच दोस्त और आ जाते हैं चाय पीने के लिए अभी देखिए हमारे पास मैग्नीट्यूड पांच का और था पांच आ और हो तो दस हो गया है। तो यहाँ पे लोड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको हम लोग लाइव लोड कहेंगे अभी डेंसिटीज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है डेंसिटीज आपकी वैल्यूज याद होने चाहिए पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट आरसीसी री सीमेंट कंक्रीट ब्रिक मशीनरी की ब्रिक मेसनरी हमारे पास ब्रिक और मोटर से मिलकर बनता है तो उसकी वैल्यू है 1900 से 1930 फिर हमारे पास नेक्स्ट है पीसीसी तेईस सौ है हमारे पास पीसीसी में जब हम लोग री एनफोर्समेंट एड करते हैं तो हमारे पास आरसीसी की जो डेंसिटी हो जाती है वो चौबीस हो तो जाती है ये मैंने आपको नंबर वाइज याद करा है उन्नीस ब्रिक मेसिनरी तेईस सौ पीसीसी और लास्ट में आरसीसी चौबीस सौ हमारे पास है बेचिंग इज द प्रोसेस ऑफ मयरिंग कंक्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट्स आइदर बाय वॉल्यूम और बाय मास आर इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू मिक्सचर जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं आपने कभी रोड पे या घर पे कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा तो आपने देखा होगा मजदूर जो है वो बेलचे उठाए हुए और रेडी के साथ जो है अपना कोर्स एग्रीगेट यानी बजरी फाइन एग्रीगेट रेत और सीमेंट मिक्स कर रहे होते हैं

बजरी रेत की आठ बोरियां जो है वो बजरी की तो ये हमारे पास क्या है बाय वॉल्यूम है हमने रेडी से इनको मैयर किया है एक्चुअली ये मेथड सही नहीं है हमारे पास क्योंकि कभी कभार रेडी में वॉल्यूम ज्यादा आता है कभी कभार वॉल्यूम कम आता है हमारे पास लेकिन जब हम लोग मास की बात करेंगे तो उसमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा हमारे पास इंजीनियर्स जैसे मैं कहता हूँ वन टू फोर यानी एक किलो अगर हमारे पास सीमेंट है तो दो किलो हमारे पास रेत होना चाहिए और चार किलो हमारे पास बजरी होना चाहिए ये बाय मास है हमारे पास तो मास की जो स्पेसिफिकेशन है वो वॉल्यूम और जो है मास का डिफरेंस आपको समझ समझा दिया है कंटिन्यू करते हैं ग्रेड जब कंक्रीट की बात हो और ग्रेड नहीं आए तो ये तो हो ही नहीं सकता है कंक्रीट इज नोन बाय इट्स ग्रेड विच इज डेजिग्नेटेड बाय एम फिफ्टीन M20, etc. इसमें जो एम है कंक्रीट mm के जो ग्रेड्स होते हैं फिफ्टीन ट्वेंटी एम हमारे पास कंक्रीट मिक्स जाहिर करता है नंबर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जाहिर करती है उस कंक्रीट मिक्स के क्यूब की जो कि 150 फिफ्टी एम एम उस क्यूब की लेंथ फिथ और हाइट है और 18 डेज के लिए और इसकी वैल्यू होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ये हमारे पास टाइप ऑफ कंक्रीट है देखें ऑर्डनरी कंक्रीट एम फाइव से ट्वेंटी तक है ये हमारे पास रेशो है एम फाइव के लिए 1, रेशो 5, रेशो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये फाइव जाहिर कर रहा है फाइव न्यूट्रन परमएम स्क्वायर लेकिन ये हमारे पास कितने का जाहिर कर रहा है वो जो क्यूब था वन फिफ्टी एम एम का उसकी स्ट्रेंथ होगी इस मिक्सचर की 7.5 148 है 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा M10 जो है 136 है ये 10 न्यूटन एमएम स्क्वायर होगा इसी तरह कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड कंक्रीट है जिसमें हमारे पास 25 है फिर हमारे पास 30 है 30 से जब हम शुरू करेंगे तो हमारे पास डिजाइन मिक्स में आ जाएगा 30 स्टेंड्स पर 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस क्यूब की जो कि 150 एमएम mm है ट्वेंटी एट डेज के लिए और मिक्सचर है थर्टी फाइव का हाई की जब बात करेंगे स्लाइड नजर नहीं आ रहा है फिफ्टी फाइव है वो हमारे पास डिजाइन मिक्स में आ जाते हैं तो ऑर्डनरी आपको याद होना चाहिए फाइव टू ट्वेंटी है स्टैंडर्ड जो है ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी है फिफ्टी से अब जाएंगे तो हाई स्ट्रेंथ हमारे पास आएगा आई होप कि मैंने ये जो मिक्सचर है इसको वेल डिफाइन किया है और आपको समझ में आ गया है इसके अलावा लाइव लोड और डेड लोड भी आपको क्लियर हो गया है और आर सी का जो बेसिक uh, डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो गया है थैंक यू सो मच इंजीनियर्स अल्लाह